साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मेरी आज की अनुभूति पशुपालन जगत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनोखी या कहें रोचक बातों से जुड़ी हुई है जो शायद अभी तक आप ना जानते हों या जानते हों पर उसकी क्या वजह है वो नहीं जानते हों। तो ऐसी बातें कौन सी हैं, तो उनमें जो आज मैं जिन बातों का जिक्र करूँगा उसमें ये है कि क्या वाकई सांड या जो बैल होते हैं ये लाल रंग का कपड़ा देखकर भड़कते हैं? क्या ये लाल रंग के कपड़े से या लाल रंग की ड्रेस से इनको कुछ अलग तरह की दिक्कत महसूस होती है, ये इरिटेट होते हैं? दूसरी बात कि क्या जो डॉग्स हैं, जो हमारे आसपास डॉग हैं या कैट हैं, क्या हम जिस चीज़ को जिस तरह से लाल पीला या हरा देख रहे हैं क्या वो भी उसको उसी कलर्स में देख रहे हैं? जब अपने डॉग के सामने एक लाल या ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनकर खड़े हैं तो वो डॉग उसको किस कलर की देख रहा है, ये हम जानेंगे इसमें। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि जो आउल है, उल्लू है, वो क्या सिर्फ रात में देख सकता है? दिन में क्या ये ब्लाइंड होता है या ये दिन में भी देख सकता है? अगर ऐसा है, इन दोनों बातों के पीछे कुछ सच्चाई है, तो उसका वजह क्या है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये जानेंगे। और क्या जो ये मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, चिकन है, जो ये जो है क्या दिन और रात दोनों में देख पाता है या ये रात में नहीं देख पाता है? कुछ ऐसी बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और आपको इन बातों की सच्चाइयों से अवगत कराएंगे। इससे पहले कि हम इन पे वन बाय वन आएँ, मैं अपने उन साथियों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कलर विज़न, विज़न, नाइट विज़न जो एनिमल्स का है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये सांड वाली बात है कि क्या सांड लाल रंग का कपड़ा देखकर, लाल रंग की ड्रेस देख के वाकई भड़कता है? हम में से कई बार कोई लाल रंग की ड्रेस पहन के जा रहा होता है और सामने सांड आ रहा होता है तो बोलते हैं अरे भाई तुम किनारे हो जाओ, तुमको देखकर सांड बिदक जाएगा, भड़क जाएगा। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि विज़न क्या होता है, विज़न कैसे हो, हम कैसे देखते हैं, हम या कोई एनिमल जब हम देखते हैं तो जो लाइट होती है, लाइट हमारे जो आँख के अंदर हम सभी जानते हैं कि रेटिना नाम की एक लेयर होती है जिसमें फ़ोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, फ़ोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स हम कह सकते हैं उनको। और जब लाइट उन पर पड़ती है तो वो उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती हैं रॉड्स और एक होती हैं कोन्स। तो रॉड्स और कोन्स जो होती हैं यही हमें देखने में जो सारी मदद होती है यही सेल्स करती हैं। और इसमें जो रॉड्स होती हैं उनका अलग काम है, उनका काम अंधेरा उजाला में डील करना है, और जो कोन्स हैं उनका काम मेनली कलर्स डील करना है। तो जैसे ह्यूमन हैं, हम लोग हैं, तो हमारे अंदर इसमें तीन कलर्स के सेट पड़े होते हैं हमारे कोन्स में, एक रेड और एक ब्लू और एक ग्रीन, हम लोग ट्राइक्रोमेटिक हैं। तो हम इन तीन कलर्स जो बेस हमारे पास कोन होते हैं इसी के कॉम्बिनेशन से हम सारे कलर्स के शेड्स देख लेते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर स्क्रीन का ग्रिड देखें तो उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो बस रेड, ब्लू और ग्रीन के होते हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन पे कुछ देखते हैं तो हमें सारे उनके जो डिफरेंट शेड्स होते हैं, रेड के, ब्लू के, ग्रीन के, येलो है और पर्पल है, सारे कलर्स हमें दिखाई देते हैं। तो यानी ये तीन बेस कलर जो होते हैं आपस में कंबाइन करके हमें सारे कलर्स और शेड्स दिखा देते हैं। लेकिन जो कैटल है, जो काऊ है, जो बुल की बात कर रहे हैं, इनमें सिर्फ दो होते हैं, ये डाइक्रोमेटिक होते हैं। इनमें रेड जो होता है वो रेड कलर के कोन्स जो होते हैं वो कोन सेल्स वो नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से इनके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हमसे डिफरेंट होते हैं। और यही बात है जो डॉग्स के साथ भी और कैट्स के भी साथ है, ये भी डाइक्रोमेटिक होते हैं, इनके पास भी रेड कोन्स नहीं होते हैं, जिससे ये जो विज़न देखते हैं, जो इनको कलर्स दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल हमसे डिफरेंट होते हैं। कई बार इन्हें जो हम लाल पहना हुआ है तो इन्हें ये पीला या ग्रे, हर चीज़ इन्हें ग्रे, ब्लैक या येलो या डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन या ब्लू कह सकते हैं, इनमें ही दिखाई देती है। तो यानी हमारे कलर कॉम्बिनेशन और इनके कलर जो होते हैं उसमें जो दिख रहा होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो एक बात तो इससे क्लियर हो गई कि जब रेड कोन्स होते हैं तो रेड दिखने का सवाल ही नहीं है, तो सांड को लाल कलर दिखने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो जब उसको लाल कलर दिखा के वो स्पेन में बुल फाइटिंग में उसको कोई इरिटेट करता हुआ दिखाया जाता है, तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि वो कलर से नहीं इरिटेट हो रहा है, वो उसकी हरकत से इरिटेट हो रहा है जो वो शख्स उस समय उसके सामने कर रहा होता है। अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि क्या उल्लू जो होता है, जो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू आउल, क्या ये दिन में नहीं दिखता है? रात में हम इसके विज़न हम जानते हैं कि उल्लू रात में बहुत एक्टिव होता है, रात में बहुत दिखता है, तो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उल्लू जो होता है उसकी आँखों में जो रॉड्स होती हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। पर स्क्वायर मिलीमीटर में ये 2 मिलियन के आसपास होती हैं, हमारे पास ये 2 लाख के आसपास होती हैं। तो ये मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा इसमें डेंस जो होती हैं रॉड्स होती हैं। इसकी वजह से इसको उजाले में, अंधेरे में देखने की इसकी इफ़िशेंसी बहुत बढ़िया होती है, तो रात में इसको बहुत आसानी से दूर तक दिखाई देता है, हमारी तुलना में ये बहुत अच्छे से दिख लेता है। लेकिन दिन में क्या ये ब्लाइंड हो जाता है? जब इसके पास लाइट सेंसिटिव रॉड्स हैं तो इसको तो दिन में भी देखना चाहिए, बिल्कुल इसको दिन में दिखाई देता है, लेकिन चूंकि इसके पास रॉड सेल्स जो हैं वो रॉड्स जितनी ज़्यादा हैं जो लाइट सेंसिटिव हैं, तो इसलिए ये अगर अपनी आँखें खोल देता है तो इसको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस ग्लेयर सा महसूस होता है। इसलिए या तो ये अपनी आँखें बंद रखता है या आधी खुली हुई लगता है, जिससे लोगों को लगता है कि उल्लू ये दिन में इसको अपनी आँखें खोलने में इसको इतनी ज़्यादा ग्लेयर लगती है, इसको इतना चकाचौन सा होता है कि ये अपनी आंखें नहीं खोलता है, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि उल्लू ये आँख बंद करके दिन में सो रहा है और इसको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, ही ब्लाइंड है इस समय और इसको रात में ही दिखेगा, जबकि उसको दिन में भी उतना ही दिखाई देता है। अगर हम आप उसको एक शेड में ले आएँ तो वहाँ पर वो बिल्कुल दिन में भी देख रहा होगा, नॉर्मल सा, नॉर्मल विज़न की तरह। तो ये थी उल्लू महाराज की बात। और अब हम एक बात और कहेंगे कि हम एक बार, कई बार हम बहुत बचपन से हम ये बात सुनते हैं कि मुर्गे ने बांग दी और हम उठ गए, तो मुर्गा ही क्यों बांग देता है? बिल्कुल जब उजाले की किरण होती है तो उसकी वजह, जो लोग पोल्ट्री से जुड़े होंगे या जिनके घर के पीछे मुर्गे मुर्गियाँ होंगी, शायद उन्होंने कभी ध्यान दिया हो कि मुर्गे मुर्गियों जो चिकन हैं इनका नाइट विज़न बहुत पुअर होता है, इनकी आँखों में हमसे, वैसे अगर हम देखें तो कई मामलों में ये बर्ड्स जो होती हैं हमसे ज़्यादा इफ़िशेंट विज़न वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये टेट्राक्रोमेटिक होती हैं, रेड ब्लू और ग्रीन के अलावा इनके पास एक अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट विज़न के लिए भी इनके पास कॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये वो भी चीज़ें देखते हैं जो हम नहीं देखते। हम लोग अल्ट्रावायलेट का घटना बढ़ना और उसका रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते हैं, पर ये बर्ड्स देख सकती हैं। तो लेकिन कलर्स भी ये सारे देख सकती हैं, पर एक इनमें फ़र्क ये है, जो ये मुर्गे मुर्गी की बात कर रहा था, चिकन की बात कर रहा था, कि इनको नाइट ब्लाइंडनेस है, इनको रात में बहुत ही कम, बहुत पुअर विज़न होता है, ना के बराबर दिखाई देता है, इस तरह से ये ब्लाइंड हैं, तो बड़े कम कॉन्स भी हैं इनकी आँखों में, तो इसकी वजह से ये रात भर जो है बिल्कुल ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति में रहते हैं, और जब सुबह की पहली किरण पड़ती है तो इन्हें रात भर के बाद दिखाई देता है, तो ये कुकड़ू कुं की आवाज़ लगाते हैं सबसे पहले कि सुबह हो गई। तो सुबह हो गई तो उसका उन्होंने शोर मचा दिया, क्योंकि रात भर तो इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो ये तो थी इनकी बात कि क्यों सबसे पहले ये उठ के जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो आज की जो मेरी अनुभूति थी वो इन्हीं बातों से जुड़ी हुई थी, उल्लू से, मुर्गे मुर्गियों से और सांड के बारे में। हो सकता है आपको ये बातें अच्छी लगी हों, क्योंकि ये एक साइंटिफिक बेस के साथ है। आप इन बातों को शेयर करें अपने बच्चों को और अपने जानने वालों को इन बारे में बताएं, जिससे वो लोग भी सच को जान सकें। तो अपनी अगली अनुभूति में, अपने किसी नए अनुभव के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।